कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शुरुआत हो गई है तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कीजिए केबीसी ऐप 2525252525 पर, या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसने हमसे मदद मांगी थी, वो पढ़ना चाहती थी, उसके भी कुछ सपने थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पूजा को बचाने के लिए क्या करें। इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि हम पूजा को बचा नहीं पाए। वो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं पृथ्वी, हम लोग फरहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पृथ्वी, वो आगे जाकर बहुत कुछ करना चाहती है, उसके कितने बड़े सपने हैं। हाँ सुहासिनी, हम इस बार और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। कर रहे हैं वो तेरे भले के लिए कर रहे हैं फरहा, इसलिए चुपचाप हमारी बात मान जा। मैं तो बात मनवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चौदह साल की फरहा, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य बर्बाद होने जा रहा था। वो कैसे भी इस हालत से बचना चाहती थी, और अगर उसकी कोई मदद कर सकता था तो वो थी सिर्फ दिल्ली की सुहासिनी दास। और 3 साल पहले सुहासिनी और फरहा एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फरहा, दिल्ली की एक झुग्गी की एक 11 साल की बच्ची। टीवी बंद कर। और सुन, मैंने पृथ्वी सर से बात कर लिए, पर नुक्कड़ वाले क्लास में बुलाया। कल बुलाया ना, आज तो टीवी देखने दे। मैंने कहा ना अभी बंद कर, तू मानेगा नहीं। सारा दिन टीवी टीवी। अरे तू क्यों इतना कूद रही है? अम्मी, ये फरहा को देख लो। अल्लाह, झगड़ा करना बंद करोगे तुम लोग? लेकिन अम्मी, ये सारा दिन टीवी देखता रहता है, इतना टीवी देखना इसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, सबको मालूम है तुम स्कूल जाती हो। अब घर आके भी ना तुम मास्टर नहीं मत बना करो। फौजिया में जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। कुछ काम ढूंढ के आना। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। यूं ही तफरी मत करके आ जाना। आप शांत हो जाइए। दो बच्चे पहले से घर पर है, तीसरी भी अपने बच्चे को लेकर आ गई। क्या खिलाऊं मैं इन सबको? बस फौजिया, कम से कम जाते समय तो दिमाग खराब मत करो। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे। यहाँ क्या दिन भर मस्ती करते रहता है? चुप रह, देख खिंच के दूंगी कान के नीचे। खेल सब जम। दिल्ली से कुछ 1500 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में 25 साल की सुहासिनी दास ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया था। वो अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही थी। हे मेघा, व्हाट्स अप? ए सुहासिनी, गुड न्यूज़। ZTS में एक जॉब ओपनिंग है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। ऑफ कोर्स आई एम, डिटेल्स भेजो मुझे। मैं अभी मेल करती हूं। लेकिन हां, इंटरव्यूज बेंगलोर में रहेंगे। That's not a problem यार। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो आई डोंट माइंड। डन।
मेल भेज दिया है। सुहासिनी कांग्रेचुलेशन, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो। थैंक यू सो मच सर। लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग हमारी दिल्ली ऑफिस में है, तो आप वहाँ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल सर। ओके, दैट्स ग्रेट। जॉब 1 जुलाई से ज्वाइन करनी है। थिंक यू कैन मेक इट? एब्सोल्युटली सर। ओके, यस। थैंक यू वंस अगेन सर। बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली बहुत ही अच्छा शहर दीदी, एक बार आप दिल्ली में अच्छे से सेट हो जाओ, फिर मैं भी वहाँ आता हूँ। मैं इसके जाने से खुश नहीं हूँ और ये भी चला उसके पीछे पीछे। हो माँ, मैं वहाँ जॉब करने जा रही हूँ, भाग के नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको रोज वहाँ से फोन करूंगी ना। सुमित्रा, भुवनेश्वर से बाहर निकलेगी तो दुनिया देखेगी। क्यों, भुवनेश्वर में क्या खराबी है? यहाँ नौकरी नहीं मिलती क्या? आपके सर्विस ट्रांसफर ने हमने दुनिया नहीं देखी। हर दूसरे साल नए शहर में तबादला, अब जाके यहाँ सेटल हुए तो इसको दिल्ली जाना है। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर 2 महीने में यहाँ आऊंगी। नहीं 2 महीने नहीं, अब 6 महीने में जरूर यहाँ आऊंगी। ठीक है, 6 महीने तब तक तू अकेली रहेगी। अरे दिल्ली कितना बड़ा शहर है, कहाँ रहेगी, खाने का क्या करेगी? जिंदगी एक कलाइडोस्कोप की तरह है, यहाँ परिस्थितियां अलग अलग रंग लेती रहती हैं। एक छोटा सा कदम और बहुत कुछ बदल जाता है। ये बदलाव कभी तो अनचाहा सा होता है, तो कभी बेहद अनोखा, एकदम अद्भुत। पहली बार मैं मेट्रो सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी। तू खाना ठीक से खा रही है ना? अरे खाने की तो आप बात ही मत करो। जब आप यहाँ आओगी ना, मैं आपको यहाँ के गोलगप्पे खिलाऊंगी। क्या गप्पा? गोलगप्पा, अरे यहाँ बड़ा फेमस है। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन तू बता इतनी देर तक जाग क्यों रही है? मेरी लाइफ यहाँ शाम के 7:30 बजे शुरू होती है। मैं यहाँ नाइट शिफ्ट करती हूँ, रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक। ये भी कोई वक्त है काम करने का? माँ मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करती हूँ, जब यहाँ रात होती है वहाँ सुबह, मतलब खैर छोड़ो, आप नहीं समझोगी। दिन जैसे दुगनी रफ्तार से बीत रहे थे। डिस्क, जहां मैं पहले कभी नहीं गई, अब वहां अक्सर जाती थी। हर दिन हर पल अपनी लाइफ खुल के जी रही थी। लेकिन इस रफ्तार में धीरे धीरे मैं एक थकान महसूस करने लगी थी। मौज मस्ती की इस जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने लगी थी। कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो शायद मेरी जिंदगी को नए मायने देती। सी फॉर कैट मत बताना, वो हम सबको पता है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसे हम रोज शुरू करें।
जैसे भी ना सर, इसी चैप्टर हम हर रोज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। वेरी गुड, तो इसी बात पे हम एक आज नया चैप्टर सीखेंगे, फोनेटिक्स, यानी कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसमें से जो आवाज आती है वो। हाँ फरा सर, हमारे स्कूल में इंग्लिश क्लासेस भी है। इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल होता है, लेकिन हिंदी में जब हम क ख ग लिखते हैं तो फिर वो स्मॉल और कैपिटल क्यों नहीं होता? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि हम इंडियंस जानते हैं कि हर चीज़ को आसान कैसे बनाया जाता है और इंग्लिश वाले नहीं। हा? अब फोनेटिक्स के बारे में सीखें। जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे आसपास ही था, लेकिन मेरी बहुत से दूर था, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुहासिनी, कल सुबह तुम मेरे साथ आओगी? कहाँ? भाई यही तो सीक्रेट है। कल सुबह 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं 8 बजे तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अगर 8 बजे अर्थक्वेक भी आ गया ना तो मुझे उठा नहीं सकता। तुम तो कोशिश भी मत करना। भाई सोच लो, मैं बैल बजाऊंगा, अगर तुम जाग गई तो साथ चलना, वरना सोती रहना, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाला हूँ हो सकता है वहाँ तुम जो फुलफिलमेंट ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। विनीत, बहुत सस्पेंस हो गया, अभी बता दो कहाँ जाने की बात हो रही। वेट फॉर टुमारो। हाय। तुम्हारी सस्पेंस थ्रिलर ने मेरी रात की नींद उड़ा दी। अब चलो, आई एम रेडी, लेट्स गो। पेशेंस, सबर का फल मीठा होता है। अच्छा वैसे तुम्हारी वाइफ कैसी है? हाउ इज द माइग्रेन? पहले से ठीक है। आओ। विनीत, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस 2 मिनट स्वासी, पहुँचने वाला है। ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, जैसा कि मैडम ने तुमको पढ़ाया भी होगा। तो बताओ इनको बोलते क्या है? ए ई आई ओ यू, मैडम ने कहा था कि उन्हें कहते हैं वॉवल्स। हाँ, जो भी शब्द इन वॉवल्स से शुरू होते हैं उसके आगे हम लगाते हैं एन। अगर एक एप्पल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एन एप्पल। ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है ना, तो फिर हम उसके आगे एन क्यों लगाते हैं? यू आर राइट, ऑनेस्ट एच से ही शुरू होता है, लेकिन फोनेटिक्स में उसका उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन ओ से होता है, ऑनेस्ट, इसीलिए उसके आगे एन लगाते हैं। हाँ, पृथ्वी सर ने हमें फोनेटिक्स सिखाया है, बोलने में तो वो एच से शुरू होता है पर उसकी स्पेलिंग पी एच से शुरू होती है। राइट रूबीना। सुहासिनी, ये अजीत है, वैसे तो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन यहाँ वॉलंटियर है, इन बच्चों को पढ़ाता है। हाय, हाय मजीद। आई एम सुहासिनी। यही हमारा छोटा सा ग्रुप है सुहासिनी, प्रोग्रेस फॉर ऑल, पीएफए। इंटरेस्टिंग। हम सभी लोग वेल प्लेस्ड प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, हम सभी अपने अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल कर यहाँ आते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि ये भी कल एक बेहतर जीवन देख सके, अपने लिए कुछ अच्छे ख्वाब देख सके। बिल्कुल, हमारे इस ग्रुप को पृथ्वी हेड करता है, इसे हम अपना लोकल चैप्टर कहते हैं। लोकल चैप्टर? और भी कोई चैप्टर्स है क्या? नहीं नहीं, फिलहाल नहीं, बट उम्मीद है कि जैसे जैसे वॉलंटियर्स बढ़ेंगे हम लोग दूर दूर तक जाकर इन बच्चों के लिए इस तरह के चैप्टर शुरू कर सकेंगे। क्यों? बिल्कुल। तुम पृथ्वी से मिलना चाहोगी? यस श्योर। हां, उसकी क्लास अभी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका साफ और स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और वो ये चीज और अच्छी तरीके से सीखेंगे अगर वो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे। पर हम तो अपने बच्चों को हमेशा नहला कर ही घर से भेजते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहलाते हैं, लेकिन नहलाने के साथ साथ कुछ चीजें और जरूरी है, जैसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आप लोगों को अच्छे से हाथ धोना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हाथ किस तरीके से धोएंगे। सबसे पहले आगे का हिस्सा साफ करेंगे आप, और ऐसा करने से आपके बच्चों के पेट में सिर्फ खाना जाएगा, कीटाणु नहीं। हाय, आई एम प्रिथ्वी शर्मा। पृथ्वी, सुहासिनी मेरी कुलीग है, ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। दैट्स ग्रेट, आई होप तुमने यहाँ जो भी देखा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत अच्छा।
विनीत, मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ. That's great. Welcome to PFA. Thank you. तो बच्चों को पढ़ाएगी. अब टीचर बनने जा रही है तू? माँ, मैं काम के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाऊंगी. मैं वहाँ वॉलंटियर हूँ. रात भर काम करेगी और सुबह बच्चों को पढ़ाएगी? बेटा, आराम कब करेगी? मैंने शिफ्ट चेंज करने की रिक्वेस्ट की है, नॉर्थ अमेरिकन शिफ्ट. मैं मैनेज कर लूंगी माँ, आप फिक्र मत करो. मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ. जो करना है कर, लेकिन अपना ध्यान रख और घर जल्दी आना. तूने प्रॉमिस किया था ना? हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी. आप मेरा फिक्र मत करो. ये ठीक है. सुना आपने? अब वो बच्चों को पढ़ाएगी भी. हाँ सुना. बहुत अच्छा काम कर रही है सुहासिनी. तुम चिंता मत करो, समझदार बच्ची है, अपना ध्यान रखेगी. वो जिंदगी से कुछ अलग चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को एक अलग मतलब, एक नया आयाम दे सके. उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी. दीदी, मैंने सोचा तो नहीं है, पर मुझे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है. मुझे भी, लेकिन मुझे ना वकील बनना है. वैसे भी मुझे बहस करना तो खूब आता है, तो कोर्ट में जम के बहस करूंगी. मुझे लगता है हमें इनके माँ बाप के साथ साथ इनके टीचर से भी मिलना चाहिए. हमें भी पता होना चाहिए कि स्कूल में इनका कितना प्रोग्रेस हो रहा है. आई थिंक यू आर राइट. स्कूल वालों को अच्छा लगेगा कि हम बच्चों के लिए इतने कंसर्न हैं, और फिर हम अपनी क्लासेस भी प्लान कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. और फिर हमें बारी बारी से इन बच्चों के पेरेंट टीचर मीट के लिए भी जाना चाहिए. बिल्कुल. फरहा बहुत अच्छा कर रही है, बड़ी होशियार बच्ची है, उस पर तो हमें नाज है. हमें भी फरहा पे नाज है. इसने हर टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आपके सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पृथ्वी. थैंक यू सो मच सर. सारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं. और सर, एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूँगा आपको, आपने एडमिशन के वक्त जो सपोर्ट किया उसका. और सर, आई होप कि आने वाले सालों में भी आप हमारे नए स्टूडेंट्स को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे. बिल्कुल, हमारे रूल्स वही हैं, बस उन्हें टेस्ट क्लियर करना है एडमिशन के लिए. एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू वंस अगेन. फरा सभी बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट है, और सबसे पहले एडमिशन टेस्ट भी उसी ने क्लियर किया. वो बहुत ब्राइट है और उसमें बहुत पोटेंशियल है. इन बच्चों की 8th क्लास खत्म होने के बाद हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा. हमें दूसरे स्कूल से भी बात करनी चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं फरा कहाँ रहती हैं? वो सामने वाला घर. ये वाला ना? हाँ जी. थैंक यू. परहा, परहा, सुहासिनी दी, आइए, आइए ना. ये आप लोग. फौजिया जी, हमें परहा पर बहुत नाज है. वैसे मैं माजिद को तो जानती हूँ, लेकिन ये छोटू कौन है? ये हमारा छोटा नवाब है, और ये उसकी अम्मी नाजिया आपा. हाय नाजिया. फौजिया जी, आप अपने बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं. ये लोग आगे जाकर बहुत कुछ करेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे. अब कौन से माँ बाप अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहेगी. वैसे नाजिया की उम्र क्या है? 18 की है. नहीं अम्मी, नाजिया अप्पा तो 16 साल की है ना. तो चुप कर, तुझे ज़्यादा पता है कि मुझे? 18 की है. अब्बू,
बाबू है। नमस्ते। नमस्ते। नाजिया आपा हमेशा बीमार रहती है। उसका बच्चा 2 साल का है ना? हाँ, जब वो 14 साल की थी ना तब उनका निकाह हो गया और फिर उनका शौहर उन्हें छोड़ के चला गया, तब से वो यही रहती है। तो फिर वो तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं आती है? जब वो यहाँ थी ना तब क्लासेस नहीं थी, या शायद हमें मालूम नहीं होगा, और फिर तो उनका निकाह हो गया ना। अच्छा वैसे बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। दिन गुजरते गए, हर गुजरते दिन के साथ मैं उन बच्चों को और करीब से समझने लगी, उनके सपनों, उनके लाइफ को जानने लगी। मुझे उनसे और लगाव होता जा रहा था, जैसे वो मेरे अपने बच्चे हो, और मैं ही नहीं PFA का हर वॉलंटियर यही महसूस करता था। फरहा से एक अलग सा लगाव हो गया था मुझे, एक बहुत ही गहरा रिश्ता था हमारे बीच जो बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच पृथ्वी का उसके कंपनी में प्रमोशन हो गया और उसे चंडीगढ़ जाना पड़ा। पृथ्वी चंडीगढ़ तो जा रहा था, लेकिन उसने हमारे चैप्टर से जुड़े रहने का और हर हफ्ते दिल्ली आने का वादा किया, और अचानक उसने कुछ अनाउंस किया। सुहासिनी, 10 सेकंड। एक्सक्यूज मी ऑल, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। मेरे चंडीगढ़ चले जाने के बाद दिल्ली चैप्टर की सुपरवाइजर के लिए सुहासिनी का नाम प्रपोज करता हूं। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मुझे ये सब और भी अच्छा लग रहा था। हम इन बच्चों के माता पिता की तरह ही थे, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात की हमें फिक्र रहती थी। हम हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर रखते थे। उन बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए हम लगातार उनके पेरेंट्स से भी मिलते रहते थे। I think it's a good suggestion. हर 2 हफ्ते में उनका ओरल टेस्ट लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। Good idea. हम क्लासेस खुली जगह में कंडक्ट करते थे, फिर हमने उसे छत देने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि किसी एक दिन हम खुद का स्कूल शुरू कर सकें। आप दुकान का ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हर बड़े सपने की शुरुआत छोटी ही होती है। बच्चे हमारे पास 2-3 घंटे के लिए तो रहते ही हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल से डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका बाहर रहने का ड्यूरेशन काफी बढ़ रहा है। सो आई थिंक हमें बच्चों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना चाहिए। Yes, इसके लिए हम कॉर्पोरेट से मदद ले सकते हैं। That's a great idea. लेकिन जब तक स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, एक एक दिन के लिए हम सभी स्पॉन्सर्स बन सकते हैं, इतना तो कमाई लेते हैं। अपने जैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर वो एक सपना बन रही थी। अपने जीवन को नए मायने देते हुए ये लोग बहुत से बच्चों को एक नई जिंदगी का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन उनके इस खूबसूरत सफर में एक अनचाहा पड़ाव आया। जिंदगी का कलाइडोस्कोप, ये रंग बिरंगा खेल फिर रूप बदलने वाला था। बहुत हो गया तेरा स्कूल जाना, अब घर पे बैठ। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तेरा निकाह तय किया है हमने नसीर के साथ। नसीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरा ममेरा भाई है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका मेरी अम्मी से क्या रिश्ता है। जब अब्बू घर नहीं होते तो मैंने कई बार उसे अम्मी के साथ देखा है। अम्मी को नहीं पता कि मैं सब जानती हूँ। तुम चिंता मत करो फरा, मैं खुद आऊँगी तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करने, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? फरा बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत आगे जाएगी। मैडम आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वैसे पृथ्वी बता रहा था कि आप दोनों इस इलाके के पहले माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। जी हाँ। तो फिर
अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब क्या है फौजिया? नाजिया को देखिए, इतनी कम उम्र में उसको एक बच्चा है, कितनी कमजोर है वो। क्या आप चाहते हैं कि फरहा का भी यही हाल हो? ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मैं आप दोनों से एक वादा चाहती हूँ। आप दोनों फरहा की शादी तब तक नहीं करवाएंगे जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। वो जब तक पढ़ना चाहे आप उसे पढ़ने देंगे, और जब वो शादी करना चाहे तभी आप उसकी शादी करवाएंगे। शादी कौन करवा रहा है फरहा की शादी? नासिर अच्छा लड़का है, रोज रोज नहीं मिलता ऐसा लड़का। पर फरहा सिर्फ 14 साल की है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि आप लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फरहा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और मुझे ये वादा फौजिया जी से चाहिए। ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे फरहा का निकाह। थैंक यू। सर्कल है और ये ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल। सुहासिनी बच्चे लोग, मैं अभी आई। ओके, क्या हुआ? फरहा और उसके घर वाले गायब। गायब मतलब? दिल्ली छोड़ के चले गए यार। कहाँ? पता नहीं, मैंने उसके पड़ोसियों से बात की बट उन्हें भी नहीं पता। वो तो 3 दिन पहले ही निकल गए। अच्छा, आपको पता है वो लोग कहाँ गए? कह के गई है कि मैं के जा रही हूँ, और अपने भाई का फोन नंबर दे के गई है, कहा है कुछ जरूरी काम हो तो फोन करे। अच्छा, तो आप मुझे उनका नंबर दे सकती है प्लीज? हाँ दे दूंगी, लेकिन एक बात बता दूँ, फौजिया का भाई शेखुद्दीन बहुत बड़ा गुंडा है। सुना है बिहार में सुपारी लेके खून करना उसका पेशा है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी फोन नंबर लेके आती हूँ। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ सुहासिनी बोलो। हाय पृथ्वी, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? फरहा के माँ बाप उसे फौजिया के गांव लेकर गए हैं, किसी को कुछ भी बताकर नहीं गए हैं। वो लोग जबरदस्ती फरहा की शादी नासिर से करवाना चाहते हैं। पृथ्वी, वो लोग शायद इसीलिए वहां गए हैं। फरहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पृथ्वी। हाँ, अब बताओ कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? सर, क्या पूछा? 21। वेरी गुड। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए? नहीं, लेकिन मेरे पास एक नंबर है जो फरहा के पड़ोसी ने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि वो फौजिया के भाई शेखुद्दीन का नंबर है। बहुत टाइम से फोन कर रही हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे वो नंबर दो, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो एक सेकेंड। हाँ हाँ, वो बहुत बिजी थी, कुछ जरूरी काम था। काम तो चलता रहेगा, तू बता घर कब आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है माँ, अभी घर नहीं आ सकती। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? हम वहाँ आए क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मैं इस वक्त थोड़ी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो, शेखुद्दीन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ, फरहा से बात हो सकती है? एक मिनट सर, आज कम कर। फौजिया ये चंडीगढ़ से किसी पृथ्वी का फोन है, कह रहा है फरहा से बात करनी है। कर लेने तो बात।
वरना ये लोग गले पड़ जाएंगे। हेलो पृथ्वी सर। फरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर, वहाँ सब कैसे हैं? हम सब तो यहाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले यूँ अचानक चले गए, वहाँ तुम्हें कोई निकाह के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, मैं तो यहाँ नए स्कूल में भर्ती हो रही हूँ, मेरे अब्बा को भी यहाँ नई नौकरी मिल गई है, इसीलिए हम सब यहाँ आए, और मैं अब यही आगे की पढ़ाई करूँगी। दैट्स गुड, पर सुहासिनी दीदी को तो बता के जाना चाहिए था ना? सर वो हम लोगों को एकदम से आना पड़ा जल्दी में, इसीलिए किसी को बता नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना और मैं फोन करता रहूंगा, राइट? ओके बाय। अब अगर वो खुद ये कह रही है कि वो ठीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सच बोल रही है। मुझे लगता है उस पर सच ना बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हेलो। हेलो दीदी। फरहा कैसी हो बेटा, क्या हुआ? दीदी मुझे बचा लीजिए, मेरा मामा और अम्मी मेरा निकाह जबरदस्ती नासिर से करवा रहे हैं, इसीलिए मुझे आला है, मुझे बचा लीजिए दीदी, प्लीज दीदी। फरहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम कहाँ हो इस वक्त? दीदी हम लोग गया में हैं, मैं अपने मामा के फोन से बात कर रही हूँ, सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं चुपके से बाहर आ गई हूँ। दीदी मेरा मामा बहुत खतरनाक आदमी है। देखो तुम रिलैक्स करो, ठीक है? मैं पृथ्वी सर से बात करती हूँ, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ठीक है? तुम डरो मत बेटा। हाँ सुहासिनी। पृथ्वी मेरा डर सही साबित हुआ, परहा का फोन आया था अभी, वो कह रही थी कि वो लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं नासिर से। What? मुझे शुरू से ही ये शक था पृथ्वी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। We can't let this happen. हेलो पृथ्वी। या सुहासिनी, सुहासिनी हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जो गलती पूजा के साथ हुई वो गलती हम दोबारा नहीं दोहरा सकते, हम लोग पूजा को बचा नहीं सके। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके माँ बाप उसे अपने गांव लेकर गए थे, जबरदस्ती शादी करवाई। उसने मुझे फोन किया था, ने मुझसे मदद मांगी थी। वो पढ़ना चाहती थी, उसके सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आया कि उसकी मदद कैसे करें। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि मैं पूजा को बचा नहीं पाया। वो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं पृथ्वी, हम लोग फरहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पृथ्वी, वो आगे जाकर बहुत कुछ करना चाहती है, उसके कितने बड़े सपने हैं। हाँ सुहासिनी, इस बार हम और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। Hey पृथ्वी, how are you man? I'm good यार। संजीव मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। बोलना। पूजा जैसा और एक केस है। एक और? लड़की की माँ उसे गया लेकर गई, लड़की का मामा शेखुद्दीन एक नामी क्रिमिनल है, वो लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उसके ममेरे भाई से। बोलना क्या हेल्प कर सकता हूँ। संजीव तुम पटना में रहते हो, तुम ही बताओ मेरी कैसे मदद कर सकते हो। देख मैं यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जानता हूँ, उनसे बात करके देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पृथ्वी कुछ पता चला? हाँ मैंने अपने दोस्त संजीव से बात की, वो पहले दिल्ली में था और हमारे चैप्टर में वॉलंटियर भी था, वो पटना के SDM से जाके बात कर रहा है। बाय द टाइम तुम चिल्ड्रंस केयर कमेटी में जाओ और उनसे बात करो, हो सकता है कि हमें उनकी जरूरत पड़े। हाँ ठीक है, मैं उनका एड्रेस निकाल के वहीं जाती हूँ। ऑलराइट। सर मेरे पास कोई एड्रेस नहीं। नहीं मुझे नहीं लगता उससे कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो बात ऐसी है कि अगर फरा का मामा क्रिमिनल है तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। मैं गया पुलिस स्टेशन से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।
प्लीज सर, जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिए। उसने अपने मामा के फोन से फोन किया था, उस वक्त उसके घर वाले सो रहे थे, बस इतना बता पाए कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं हमारे पटना ऑफिस को कॉन्टेक्ट करती हूँ। गया में तो हमारा कोई ऑफिस नहीं है, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सुहासिनी, सबसे पहले हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा, वरना हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? मैं जल्दी से जल्दी उसका एड्रेस ढूंढती हूँ। फौजिया, मेरी कायद साहब से बात हो गई है, कल सुबह 10 बजे निकाह हो जाएगा। फौजिया, मेरी कायद साहब से बात हो गई है, कल सुबह 10 बजे निकाह हो जाएगा। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो शेखू। तुम इन सबके बीच मत ही पड़ो, समझे? तुम्हें इस घर के लोगों की फिक्र कब से होने लगी? फरहा मेरी भी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। उसका भला बुरा मैं समझती हूँ तुमसे ज्यादा। क्यों नौशे भाई, तुम्हें इस निकाह से कोई परेशानी है क्या? आखिर नासिर में खामी क्या? ये क्या जिद लगा के रखी है तूने? और तेरे इतने नखरे क्यों है? मुझे अभी निकाह नहीं करना। क्यों नहीं करना निकाह? आज नहीं तो कल निकाह करेगी ना? सारी उम्र कुमारी तो बैठी नहीं रहेगी, तो अब कर ले। और सुन, तेरे इस रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं, कल हमारा निकाह है, और ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह से डाल ले तू, समझी? हेलो दीदी। फरहा तुम रो रही हो? तुम रो मत, क्या हो गया? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दीदी मेरी मदद करो, मेरा मामा कल मेरा निकाह नासिर से करवा रहा है। क्या? हाँ दीदी, दीदी मुझे निकाह नहीं करना। फरहा फरहा रो मत बच्चे, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगी। नहीं दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये निकाह नहीं करूंगी। फरहा देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं कुछ जरूर करूंगी। फरहा प्लीज। मुझे नासिर से शादी नहीं करनी, मुझे दिल्ली वापस जाना है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना है। मुझे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। चार साल पहले पूजा के साथ यही हुआ था, उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे, लेकिन वो बाल विवाह के भंवर में फंस गई थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने खुदकुशी कर ली। चार साल बाद फरा उसी पड़ाव पर खड़ी थी, अकेली थी, बेसहारा थी। सुहासिनी, पृथ्वी और उनकी टीम के सदस्य जिन्होंने उसे उस मकाम तक पहुंचाया था जहां वो सपने देख सकती थी, शायद वही लोग अब उसे इस मुसीबत से बचा सकते थे। सुहासिनी का फरा के साथ एक खास रिश्ता था और फरा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए सुहासिनी हर कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी? क्या हालात फिर बदलने वाले थे? क्या जिंदगी का कलाइडोस्कोप कोई और रंग दिखाने वाला था? सुहासिनी दास और फरा का यह मुश्किल सफर हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल की अगली और आखिरी कड़ी में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।